सागर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जेल विभाग में पदस्थ एक युवती ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छेड़खानी जैसे संगीन मामले में युवती की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के कारण युवती मानसिक रूप से काफी परेशान है। जहां आरोपियों द्वारा उसे लगातार फोन पर धमकी देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परेशान युवती न्याय की आस लिए पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काटने पर मजबूर है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में परेशान युवती ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है। एसपी कार्यालय के चक्कर काट रही युवती जेल विभाग में पदस्थ पुलिस प्रहरी है। युवती का आरोप है कि 6 जून को मुरैना के रहने वाले रवि शर्मा, अवधेश शर्मा और रामनिवास शर्मा द्वारा एक मामले में विश्वविद्यालय उसे चर्चा के लिए बुलाया गया था, जहां कुछ दूरी पर एकांत में ले जाकर आरोपी द्वारा युवती से दुष्कर्म कर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। जहां बड़ी मुश्किलों से वह वहां से इन लोगों की गिरफ्त से निकल अपने घर पहुंची। युवती इस घटना से इतनी सहम गई थी, डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर आरोपियों द्वारा लगातार उसे अलग अलग नंबर से फोन कर घटना को लेकर धमकाना जारी रहा, जिसके चलते उसने अपने मंगेतर को इसकी जानकारी देते हुए कुछ दिनों बाद घटना की रिपोर्ट का आवेदन थाना सिविल लाइन में दिया, जिसे तवज्जो नहीं देते हुए वहां मौजूद उप निरीक्षक वर्मा द्वारा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद इस मामले में आईजी के पास गुहार लगाने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा 3 जुलाई को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला तो कायम कर लिया, पर विवेचना के नाम पर थाना पुलिस द्वारा टालमटोल कर अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और न ही पीड़िता के किए गए कथन के अनुसार उसके पास मौजूद प्रमाण पत्र लिए गए हैं। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस पर दबाव के तहत आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक इस मामले में आरोपियों में से एक व्यक्ति चंबल रेंज की कमिश्नर का रिश्तेदार है, जिसके चलते पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने से परहेज कर रही है। पीड़िता के मुताबिक इस सिलसिले में उसके द्वारा कई बार पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई गई, पर मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े होने के कारण वह भी फरियादी को न्याय नहीं मिल सके और इस और कोई प्रयास नहीं करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आरोपी के हौसले बुलंद हैं और वह पीड़िता पर दबाव बना उसे परेशान कर रहे हैं। पीड़िता ने इस मामले में आरोपियों द्वारा उसके कुछ फोटो को भी वायरल कर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से खासी परेशान है और कार्रवाई को लेकर एक बार फिर एडिशनल एसपी को एक लिखित आवेदन दिया गया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर न्याय नहीं मिलने की स्थिति में आत्मघाती कदम उठाने की बात कह रही है। तो वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी राजेश व्यास द्वारा युवती के पुलिस पर दबाव के तहत कार्रवाई नहीं करने के लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में पुलिस की विवेचना जारी है, जल्द ही जांच इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी। बहरहाल इस मामले में जिस प्रकार से न्याय को लेकर पुलिस विभाग के अधीनस्थ आने वाली जेल विभाग की प्रहरी अपनी फरियाद की सुनवाई के लिए दर दर भटक रही है, वह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। सर, मैं जेल लाइन से आई हूँ। मेरा छेड़खानी का एक मामला जो मैंने 3 तारीख को दर्ज करवाया था सिविल लाइन थाने में, उसी पर कोई कार्रवाई दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर कौन कौन आरोपी हैं इस मामले में? इसमें कहाँ की घटना है? ये घटना यूटी डिस्टॉर्ट की है, सारी की। ये आरोपी कैसे कहाँ वारदात हुई थी, क्या आपको जानती थी, कैसे मिलना हुआ, क्या पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले में? पुलिस कुछ नहीं कहती सर, यही बोल देती है कि हम देख रहे हैं, फिर भेजाएंगे, टीम भेजाएंगे, और आज दिनांक तक कोई टीम नहीं भेजाई हुई है, क्योंकि वो रेणु तिवारी चंबल उनकी कमिश्नर मैडम है, उनके भतीजे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब मैटर, और एसपी सर भी मुरैना से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उन्हीं की जानबूझ के कार्रवाई करना नहीं चाहते। अभी क्या घटनाएं जा रही है, अभी किस प्रकार की दिक्कत जा रही है? वो आए दिन धमकियाँ देते हैं, और कल ही सिविल लाइन थाने आए थे तो मुझे धमकी दे रहे थे कि कुछ नहीं कर लिया, क्या कर लिया, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम कितने पावरफुल इंसान हैं, और हमारी बुआ कमिश्नर हैं, कुछ भी बिगाड़ पाओगी, और थाने से ही
खात्मा लग जाएगा तुम्हारे केस में, कुछ नहीं होगा, ना ही हम गिरफ्तार होंगे। और तुमने देख भी लिया है कि आज दिन तक हम लोग गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी इतना संगीन अपराध लगा हुआ है, लेकिन हम एक दिन के लिए भी सस्पेंड नहीं हुए। किसके लिए जिम्मेदार ठहराती हैं आपकी कार्रवाई में पा रहे हैं? हम पुलिस प्रशासन को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं या रेणु मैडम का प्रेशर है, इस वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आप क्या करती हैं? मैं जेल डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। पहले मुझे थाना सिविल लाइंस में एक अपराध कायम कराया गया था और उस अपराध की कायमी के बाद में वो विवेचना में है, और इस विवेचना में कई तथ्य आ रहे हैं जो विवेचक उन तथ्यों को देख रहा है, और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इसमें उचित निर्देश दिए गए हैं विवेचक को, और जो भी इसमें विवेचना होगी आगे की वो उस पर कार्रवाई करेगी पुलिस। सर, पिंकी का आरोप है कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये कहाँ तक सिद्ध है? पुलिस ने जो भी तथ्य आए हैं वो उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हो, और आगे भी हमने उनको अभी भी बोला है कि जो भी तथ्य यदि उनको ऐसा लग रहा है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है वो हमारे सामने लेकर आए, और हमारे इनके कहने पर हमारे द्वारा जो विवेचक है उसको भी परिवर्तित कर दिया गया है। तो विवेचना तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ हो रही है, और इनकी पूरी बात को सुना जाएगा, क्योंकि वो इस केस की फरियादियाँ हैं, और आगे जो भी होगा वो उस केस की विवेचना के बाद ही मैं बता पाऊँगा।